नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 अप्रैल शुक्रवार शाम राजस्थान की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर देश के सभी सरपंचों के साथ VC के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री ने ई स्वराज पोर्टल और ई ग्राम स्वराज ऐप भी लॉन्च किया। इसमें पंचायत से जुड़ी सभी जानकारियां मौजूद होंगी। मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस ने हमारे सामने कई मुसीबतें खड़ी की हैं। महामारी ने यह सबक भी दिया है कि देश को अब आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। मोदी ने कहा कि आप सभी को पंचायती राज दिवस की बधाई। आज जिन्हें सम्मान मिला है, वेबसाइट पर जाकर उनकी जानकारी हासिल करें। कोरोना महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन के इस मुश्किल वक्त में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सुरक्षित प्रसव के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने जिला मुख्यालयों पर स्थित मातृ व शिशु कल्याण केंद्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का निर्बाध जारी रखा है। प्रदेश भर में करीब 8,000 रोगियों और गर्भवती महिलाओं ने मोबाइल OPD वैन की सेवाओं का लाभ उठाया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से पैदा हुए संकट के बीच किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान के 7 लाख से ज्यादा किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान कर दिया गया है। यह भुगतान खरीफ सीजन 2019 के तहत किया गया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के मुताबिक इन किसानों को 1,240 करोड़ से ज्यादा की राशि बीमा क्लेम के तौर पर वितरित किया गया है। 4,71,000 किसानों के बीमा क्लेम का भुगतान अभी प्रक्रियाधीन है। इन किसानों को 1,044 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जाना है। लॉकडाउन के चलते फिलहाल आपातकालीन व आवश्यक चीजों को छोड़कर सब पर पाबंदी है, लेकिन नशे पर कालाबाजारी जोरों पर है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने नशे पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना अधिकारी सत्यनारायण गोदारा से मिली जानकारी के अनुसार जैतासर गांव में एक व्यक्ति द्वारा गुटखे बीड़ी जर्दे की सप्लाई करने की सूचना मिली थी। इस पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया तो एक ट्रक में 25 बोरे से में भरी हुई जर्दे, गुटखा, बीड़ी आदि सामग्री जब्त की है। साथ ही गुटखा सप्लाई करने वाले मोमासर बास निवासी तरुण सिंधी आसिफ बालकिशन द्वारा जर्दा बेचने पर पुलिस ने पकड़ा है। बाड़मेर जिले में बायतू के गीड़ा थाना क्षेत्र में सवाऊ मूल राज के एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिनकी सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल मौका मुआयना किया, साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार विवाहिता के पिता धारूराम ने लिखित रिपोर्ट पेश कराया है कि उनकी बेटी सुवा देवी की हत्या करने का मुकदमा पीहर पक्ष पर। अलवर के मालाखेड़ा कस्बे में केंद्र और राज्य सरकार की एडवाइजरी के बाद भी लॉकडाउन के दौरान कपड़े की दुकान खुली दिखी। क्षेत्र के गांधी चौक में कपड़े की दुकान खुली हुई देख तहसीलदार को सूचित किया गया। सूचना पाकर तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट अनुराग हरित और मालाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने देखा कि 3 ग्राहक खरीदारी भी कर रहे हैं। इस पर मालाखेड़ा तहसीलदार अनुराग ने मौका पर्चा बनाते हुए कपड़े की दुकान को सील कर दिया, साथ ही उस पर मौका पर्चा और आदेश भी चस्पा कर दिए गए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।